नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पर्यटन में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ कुछ विषय के जनक यानी कि उनके पिता कौन है, किसको कहा जाता है उनका पिता, इस चीज़ को आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इतिहास यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के जो है कि ये जनक कौन है, इनके पिता कौन है, इनके रचयिता कौन है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों आगे आता है संस्कृत। दोस्तों संस्कृत के जो जनक है वो पाणिनि है, पाणिनि को संस्कृत का जनक, संस्कृत का पिता कहा जाता है। गणित के दोस्तों आर्किमिडीज होते हैं, आर्किमिडीज जी ने ये साइंस में भी बहुत कुछ इन्होंने दिया है, लेकिन जो गणित के जनक है वो आर्किमिडीज हैं। कंप्यूटर के बारे में तो दोस्तों सभी लोगों को पता होगा कि चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है कंप्यूटर का जनक यानी कि रचयिता। अर्थशास्त्र के जो जनक है दोस्तों वह है एडम स्मिथ। जीव विज्ञान, जैसा कि दोस्तों बहुत से लोगों को पता होगा कि जीव विज्ञान के जो जनक है वह अरस्तु को बोला जाता है। आगे आता है दोस्तों होम्योपैथ के जो जनक है वह हैनीमैन है, तो हैनीमैन को होम्योपैथ का पिता कहा जाता है। आगे आता है दोस्तों मोबाइल के जो है वो मार्टिन कूपर है, यानी कि मार्टिन कूपर को मोबाइल का जनक बोला जाता है। दोस्तों आगे आता है भूगोल। दोस्तों इस भूगोल के भी जो है कि जनक अरस्तु ही हैं, यानी कि अरस्तु जो है कि आपके जीव विज्ञान और इस भूगोल यानी कि दोनों सब्जेक्ट के जनक है, दोनों सब्जेक्ट के पिता हैं। दोस्तों आगे आता है ज्यामिति। इस ज्यामिति के जो है वो न्यूक्लिड, जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूक्लिड के बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, यानी कि जो हम लोग लस मस एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं वो भी न्यूक्लिड की ही देन है। यानी कि ये जो क्षेत्रमिति है, इस क्षेत्रमिति के जनक यानी कि बोलते हैं न्यूक्लिड जी को। सांख्यिकी यानी कि जो स्टैटिक हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ये चीज़ जो है कि दिया है लियोनार्ड डिक्स। अंग्रेजी ग्रामर जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, इस इंग्लिश ग्रामर के पीछे किनका आता है, यानी कि ये लिंडल मुर्रे, यानी कि अंग्रेजी ग्रामर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं इसके जो जनक है, इनके जो रचयिता हैं, इनके जो यानी कि जो बनाए हैं उनका नाम लिंडल मुर्रे है। त्रिकोणमिति जो कि मैथमेटिक्स में आता है ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री के जो है कि जनक हिपरकस को बोला जाता है। और हिंदी साहित्य के जो जनक है दोस्तों, ये सभी लोगों को पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे जरूरतमंद के पास शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।